हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट ट्राइंगल। पहले हम ट्राइंगल की डेफिनेशन समझते हैं कि ट्राइंगल कैसे बोलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक फिगर ली, ए बी सी। तो आप देख रहे हैं क्या एक क्लोज फिगर है, ए बी सी का एक क्लोज फिगर है जिसमें थ्री वर्टिसेज हैं, थ्री साइड्स हैं और थ्री एंगल्स हैं। कौन सी फिगर? ए क्लोज फिगर विच हैव थ्री वर्टिसेस, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स, इट इज कॉल्ड ट्राइंगल। जैसे बेटा ये ए बी सी का एक ट्राइंगल है जहाँ पे ए बी सी के हैं इसके वर्टिसेस हैं, साइड्स कौन कौन सी हैं, ए बी, बी सी एंड सी ए साइड्स हैं और थ्री एंगल्स हैं। एंगल कौन कौन से बेटा? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो ट्राइंगल का अ क्लोज फिगर विच हैव थ्री वर्टिसेस, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। चलिए अब ट्राइंगल्स में हमें करना क्या है, नाइन्थ क्लास में हमें ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी रीड करनी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर किसे बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर, तो देखिए कॉन्ग्रुएंट फिगर किसे बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या है? टू फिगर्स इफ हैव सेम शेप एंड सेम साइज, मीन्स दो फिगर अगर उनकी शेप और साइज दोनों इक्वल है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं आपको, सर्किल, टू सर्किल्स विच हैव सेम रेडियस, टू सर्किल्स विच हैव सेम रेडियाई, मीन्स ऐसे दो सर्किल जिनकी रेडियाई क्या है? इक्वल है, वो क्या है? आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर है। या टू स्क्वायर्स विच हैव सेम साइड, मीन्स ऐसे दो स्क्वायर जिनकी साइड सेम है, तो वो भी क्या होंगे? आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर समझने के लिए आप समझिए कि कॉन्ग्रुएंट फिगर ऐसे जो सेम टू सेम है, मीन्स उनकी शेप भी सेम है और उनकी साइज भी सेम, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब हमें इस क्लास में करना क्या है, हमें कॉन्ग्रुएंसी किसके लिए रीड करनी है? हमें ट्राइंगल के लिए रीड करनी है। तो चलिए अभी से भी समझते भी, ये तो कॉन्ग्रुएंट फिगर डिस्कस किया, अब बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो अभी हमने क्या किया था बेटा कॉन्ग्रुएंट फिगर में, कि जिनकी शेप और साइज सेम हो। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के लिए क्या होगा? दो ट्राइंगल, सपोज हमने दो ट्राइंगल्स ले, एक ट्राइंगल ए बी सी और एक ट्राइंगल हमने क्या लिया? पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? सपोज मैंने ये ट्राइंगल उठाया और इसके ऊपर रखा, तो अगर ये इसे बिल्कुल कोइंसाइड कर ले तो ये क्या होंगे? आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। मीन्स ए तो कहाँ है आपका? पी के ऊपर, बी क्यू के और सी किसके? आर। मीन्स ए बी किसके इक्वल हो? पी क्यू के इक्वल हो, बी सी किसके इक्वल हो? क्यू आर के इक्वल हो और ए सी किसके इक्वल हो? पी आर के इक्वल हो। तो तब इन्हें हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, मीन्स जिनकी शेप और साइज क्या है? सेम है। अब कॉन्ग्रुएंट पढ़ने के लिए हमारे पास इसके रूल्स हैं, कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया है, तो उस क्राइटेरिया को रीड करते हैं हम।